सबसे पहले बात करेंगे गैरसैंण की, जहां पर गैरसैंण विधानसभा सत्र के पहले दिन की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई है, जबकि विपक्ष सदन में लगातार हंगामा करता रहा। इस मौके पर राज्यपाल के अनुरोध पर विपक्षी विधायक शांत हुए और राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्नत उत्तराखंड का जिक्र किया, जबकि सीएम धामी ने विपक्ष के सदन में हंगामे के बाद सवाल खड़े करते हुए कहा कि विपक्ष बेवजह मुद्दों को तूल दे रहा है। एक छोटा प्रदेश पूरे राष्ट्र के अंदर में किस प्रकार से एक अपना अपना एक स्टैंडर्ड दिखा रहा है, कई जगह फर्स्ट, कई जगह द्वितीय, कई जगह थर्ड पोजीशन, और जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, मैं मुख्यमंत्री जी को, पूरे मंत्रियों को, पूरे सरकार को बधाई देता हूं कि जो उन्होंने पिछले साल के अंदर में कार्य किया। मैं आज के दिन और इस स्थान का के माध्यम से और आपके माध्यम से हर एक उत्तराखंडी को शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। देखिए, ये स्वच्छ परंपरा नहीं है, और राज्यपाल का अभिभाषण पूरे प्रदेश का अभिभाषण होता है, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, कोई ठोस मुद्दे नहीं है। जब सवाल जवाब होंगे, जब सदन के अंदर चर्चा होगी, तो सभी विषयों पर सरकार की बात आएगी, लेकिन राज्यपाल का अभिभाषण संपूर्ण प्रदेश की एक झलक होती है, प्रदेश के अंदर एक ठोस नीति, ठोस कार्यक्रम, और किस प्रकार से सरकार आगे काम करेगी, राज्य किस प्रकार से आगे जाएगा, वह राज्यपाल के अभिभाषण में सभी कुछ समाहित होता है। इसलिए ये स्वस्थ परंपरा नहीं है, और उत्तराखंड राज्य में सबको मिलकर हम सबको आगे बढ़ना है, और उसमें सभी का सहयोग चाहिए।